हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैविमेट क्लासेस। क्लैविमेट योर ट्रू स्टडी मेट। आपण जदि चैनल को देखुचंती आउ क्लासेस को देखुचंती, जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर दियंतु, ताकि आपणंकु बहुत सारा कंटेंट मिलिबो न्यू न्यू टॉपिक्स रो, सब्जेक्ट रो डिफरेंट, जेमती कि फिजिक्स हेगला, मैथ्स हेगला, केमिस्ट्री हेगला, ए सब सब्जेक्ट रो कंटेंट्स मिलिबो। जो क्लैविमेट क्लासेस रो एप्लीकेशन सेटा स्पेशली डिजाइन कराई सीएचएसई स्टूडेंट्स मान को पाई, जो ठीक आम प्रोवाइड करुचु हाई डेफिनेशन एनिमेटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस भी आम दौ इन केस जदि लाइव क्लासेस मिस हो जाए तो सीए एनिमेटेड क्लासेस देखिकी तार नोट्स बन पार आउ बहुत सारा तार नॉलेज पाई। यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लीयरिंग क्लासेस भी रोचे इन केस यदि क्या डाउट हो किसी चैप्टर रे या फिर किसी भी कंटेंट रे बुझा पड़ूनी, तो सी आमर टीचर्स मान को डाउट पचारि पार और से डाउट क्लीयर भी हम। डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी होची जोठी कि सीए तार स्ट्रेंथ जापर वीकनेस जापर इन केस कौटी को सब्जेक्ट रे तार हो कम मार्क्स आसूची, तो सेटा केमी इम्प्रूव हम से डेली प्रैक्टिस टेस्ट द्वारा भी जापर। आउ वीकली टेस्ट भी आमर प्रोवाइड हो सब जिनस आमर क्लैविमेट क्लासेस एप्लीकेशन रे डिजाइन करा जाए। आउ एक क्लैविमेट क्लासेस एप्लीकेशन जदि आपण एंड्रॉइड फोन यूज करुछंती तो गूगल प्ले रु आपण ताकु डाउनलोड आराम से करि परिबे। आउ जदि आपण आईफोन यूज करुछंती तो ऐप स्टोर रे जाई कि आपण क्लैविमेट क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करि परिबे। ए सब बेनिफिट आपण मानको क्लैविमेट क्लासेस एप्लीकेशन रु मिलिबो। आउ आमर क्लैविमेट क्लासेस रो यूट्यूब रे भी बहुत सारा वीडियोस रहउछि, नुआ नुआ वीडियोस को देखिया पाई आउ तार नॉलेज गेन करिया पाई आपण सब्सक्राइब आपण को करिया पड़िबो। आउ बेसी रु बेसी शेयर करंतु ताकि आपण भी आउ आपण सांग माने दि जण मिसी की ए नॉलेज रो फायदा उठे परिबे। तो चालंतु स्टार्ट करिबा आमर चैप्टर जोटा कि आमे करूथिले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आमे प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी पढ़ी थिले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रा बहुत सारा लॉज पढ़ी थिले, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रा अंडर रे केते सारा लॉज आसे से सब आमे कवर करी थिले, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विषय रे बहुत सारा जिनस जानी थिले। तो आज आमे कौन करिबा देखिबा, तो आज कंटेंट रे अच्छी आमर फर्स्ट अच्छी गे लुसाक्स लॉ, सेकेंड अच्छी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ए थ्योरी थ्रू आम एटम विषय बहुत सारा जिनस जानिबा, तार तार गोटे इमेज आमर माइंड रे रहिबो कि एटम केमिति प्रकार थाए, को प्रकार से केमिति रिएक्ट करे, ता विषय बहुत सारा थ्योरी आम जानिबा। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जेहेतु गोटे थ्योरी बना ही तार किछ ना किछ लिमिटेशन तो थिबो, सेटा भी आमे जानिबा लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पुणी से लिमिटेशंस को केमिति ठीक करा हला, ताकु इम्प्रूव करा है कि मॉडिफाई करा है कि बना हला मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सेटा भी आमे जानिबा। तापर एवोगाड्रोस लॉ जोटा कि बहुत इम्पोर्टेंट आमको थ्रू आउट द लाइफ केमिस्ट्री रे जर्नी रे आमको हेल्प कर एवोगाड्रोस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, ए सब विषय आम जानिबा। चलंतु स्टार्ट करिबा आमर फर्स्ट लॉ जोटा कि हला गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, तो जो गे लुसाक थिले से जने साइंटिस्ट थिले, सीए कौन कले ना बहुत इन्वेस्टिगेशन कले कि गैसियस रिएक्शंस को प्रकार होची, केमिति टाइप रो सेमानकर बिहेवियर रोचे जेतेले गैसियस गुडा रिएक्ट करुछंती, तो ए सब बहुत सारा सीए इन्वेस्टिगेशन कला परे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कला परे गोटे कंक्लूजन रे पहुँचिले कि जो गैस माने जेतेले रिएक्ट करंती सेमाने सब बेले वॉल्यूम रे रिएक्ट करंती। आमे जानिछु कि गैस को धरने आमे गोटे कंटेनर रे ताको फिल कर देले, तो सीए से कंटेनर रो आकार नहीं जाए, तो शेप नहीं जाए,
तार गैस रो निजर किसी शेप न थाए सी जो भी आपण कंटेनर रे आपण ताको पकाउ छंती से सेई कंटेनर रो वॉल्यूम नै जाय तो तांकु जणा पड़ला कि माने वॉल्यूम गैसेस गुडा को वॉल्यूम रे ही रिएक्ट करंती तो सी एई थ्योरी रे कहिले कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे डू सो इन वॉल्यूम जोटा कि मुझे एवं कहली से माने वॉल्यूम रे रिएक्ट करती विच बेयर सिंपल होल नंबर रेशियो प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एंड देयर प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट या माने कौन देखिबा या माने हैला गोटे एग्जांपल थ्रू जानिबा कि या माने कौन फॉर एग्जांपल धरने हाइड्रोजन हाइड्रोजन रो वॉल्यूम इन केस सी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन वन वॉल्यूम आमे नेले वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करला वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन सहित केते देला टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड माने रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एठ जो रिएक्टेंट अच्छी रिएक्टेंट आमर है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्टेंट माने कौन जो सब्सटेंस आप रिएक्ट करुची को सब्सटेंस आम रिएक्ट करुची आमर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करुची तो आमर हाइड्रोजन आ क्लोरीन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आम रिएक्ट करुची तो आमर हाइड्रोजन आ क्लोरीन हे जिवो रिएक्टेंट आ हाइड्रोजन क्लोराइड हे जिवो आमर प्रोडक्ट तो रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज 1:1:2 माने रिएक्टेंट रो आ प्रोडक्ट रो वॉल्यूम रो रेशियो केते हे जिवो एटा 1:1:2 गोटे सिंपल रेशियो फॉर्म करुची कि नहीं सेटा ही ए लॉ रे कुहा होची कि जेते बले गैसेस माने रिएक्ट करुचंती से माने सब बले वॉल्यूम रे रिएक्ट करिवे वॉल्यूम फॉर्म रे रिएक्ट करिवे आउ रिएक्ट जेते बले करिवे आउ गोटे कंडीशन कौन रहिया दरकार कि टेम्परेचर आ प्रेशर कांस्टेंट रहिया दरकार जो रिएक्शन होची रिएक्टेंट आउ रिएक्टेंट जो मैं रिएक्ट करुचंती प्रोडक्ट रे फॉर्म करुचंती ए रिएक्शन रे आमर जो टेम्परेचर आ प्रेशर होची एटा सब बेले कांस्टेंट रहिबा दरकार आउ जेते बेले माने रिएक्ट करुचंती सेते बेले से माने गोटे सिंपल रेशियो फॉर्म करुचंती जोटा कि आमे देखिले जोटा कि हाइड्रोजन आ क्लोरीन जेते बेले रिएक्ट करुचंती सेते बेले बहुत गोटे सिंपल रेशियो फॉर्म करुचंती रिएक्टेंट आ प्रोडक्ट भितरे से रेशियोटा रहुची 1:1:2 ए रेशियो से माने फॉर्म करुचंती एटा थिला आमर फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एबे आमे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट लॉ बिषयरे नेक्स्ट देखिबा आउ गोटे एग्जांपल अच्छी आमर कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटा भी देखिबा एथिरे भी कौन होची एथिरे भी टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन दीटा वॉल्यूम हाइड्रोजन जो रिएक्ट करुची वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सहित सीए कौन दोची सी आमको दोची टू वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर इटे आमे देखिले टू वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट करुची वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सहित कौन दोची टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर दोची तो एमानंको रेशियो कौन हम एमानंको रेशियो हम एमानंको रेशियो हम 2:1:2 टू हैला आमर हाइड्रोजन रो वन हैला आमर ऑक्सीजन रो आउ टू हैला जो वाटर वेपर फॉर्म करिबो तारो तो रेशियो कौन है गला
टू इज टू वन इज टू टू यही प्रकार से किसी रेसीओ दौर तो यही आम दीटा एग्जाम्पल थी गेलुसैक्स लॉ ताकि आमको ता लॉ विषय भलसे जना पड़ एबे आमे नेक्स्ट लॉ को जीवा नेक्स्ट लॉ रे कौन बुझौचे सेटा आमे देखिबा नेक्स्ट लॉ को जीवा आगोरु किछे क्वेश्चंस आम माइंड रे ए जो आमे पढ़िले एबे दि तीन दिन पढ़िले ए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को आम माइंड रे किछे क्वेश्चंस आसीथिबो गोटे एलिमेंट थारु अलगा कौन पाई व्हाई इज वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर इमती कौन पाई तापरे आउ गोटे भी आसीथिबो कि एलिमेंट्स माने कंबाइन करी कि कंपाउंड्स कौन पाई बनांती कौन रीजन कौन ता पछरे तापरे व्हाई इज अ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर गोटे कंपाउंड मिक्सचर थारु अलगा कौन पाई एमिति किछि क्वेश्चंस आमर आसीथिबो जेतेले आमे टॉपिकटा पढ़ीथिबो एमिति किछि क्वेश्चंस को सॉल्व करिया पई ही आमर नेक्स्ट लॉ बनिला नेक्स्ट लॉ बनिला से लॉ को कहिया आगुरु ओ आंसर को कहिया आगुरु गोटे जिंस आमे नोटिस करिथिबा आमे पढ़ीचे भी मैटर विषय कि मैटरटा कौन व्हाट इज द मैटर सेटा केमिति बनिछि मैटरटा आमे जानिछे कि मैटरटा बनिछि बहुत सारा एटम्स रो कॉम्बिनेशन रो एटा आमे जानिछे बहुत सारा एटम्स को कंबाइन करके गोटे मैटर बनिछि आमे कहि परबा कि एटम को आमे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर कहि परु है ना मैटर माने तुम किसी भी देखु किसी गोटे किसी भी जिनस जोटा स्पेस अकुपाई करुच्छे किंबा किसी भी माने इवन एयर भी गैस भी एटा को मैटर कही था किसी भी यूनिवर्स देखु से सब एटम्स कॉम्बिनेशन रे बनी माने मैटर रो बिल्डिंग ब्लॉक हैला आमर एटम तो एटम विषय रे आउ मैटर विषय रे किए डिस्कवर करथिले किसी गीक फिलोसोफर माने माने यही कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो माने कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर से माने सारे डिस्कवर करथिले तापरे किंतु मैटर रो प्रॉपर गोटे इमेज मैटर रो आउ एटम रो गोटे प्रॉपर इमेज आम माइंड रे सेटा पछरे आमर गोटे मैटर रो प्रॉपर इमेज आउ एटम रो गोटे प्रॉपर इमेज सेटा आमर दे थिले डाल्टन जॉन डाल्टन गोटे साइंटिस्ट थिले सीए ए एटॉमिक थ्योरी देबा आगुरु गोटे स्कूल टीचर थिले इंग्लिश स्कूल टीचर जने इंग्लिश स्कूल टीचर थाई कि भी सी आमको एटम विषय रे एत्ते सब जिंस जणै थिले सेटा बहुत बड़ कथा तो सीए गोटे थ्योरी दे थिले से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कल्ला परे अमन को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नारे गोटे थ्योरी देले से थ्योरी रे से एटम विषय रे मैटर विषय रे बहुत सारा जिनस कहले तो गोटे गोटे करके आमे जानिबा कि तांकर थ्योरी रे कौन कौन थिला फर्स्ट थिला द मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स आमे एटा आगुरु भी पढ़ीचे कि जो एटम थाए सेटा को आमे फर्दर डिवाइड करि परिबा नाही आपण ताकु भाग भाग आउ करि परिबो नाही सेटा सबुटु स्मॉलेस्ट पार्टिकल आउ तार भाग हबनी सबुटु छोटो पार्टिकल सेटा इंडिविजिबल पार्टिकल्स तांकर सेटा फर्स्ट थिला सेकंड थिला कि धर्ण्य गोटे एलिमेंट धर्ण्य कार्बन कार्बन एलिमेंट रे बहुत सारा एटम्स थाए कार्बन एटम्स थाए बहुत सारा कार्बन एटम्स रो कॉम्बिनेशन रे सेटा बनी छी तो ए कार्बन एलिमेंट भीतर जेते भी कार्बन एटम्स अछंती से मानंकर साइज से मानंकर मास से मानंकर प्रॉपर्टीज सब सेम रहिबो बिल्कुल चेंज हबो नाही सब
सेम रहिबो इमान सबु सेम रहिबे बिल्कुल चेंज हेबे नै धर्म्य एटा कार्बन धर्म्य हमर आ गोटे बोरोन नै गले बोरोन एलिमेंट बोरोन एलिमेंट रे आमर बहुत सारा बोरोन आटम्स रो कॉम्बिनेशन से बन थिबो तो ए जो कार्बन एलिमेंट रो कार्बन आटम आ बोरोन एलिमेंट रो बोरोन आटम एमाने दी जणंकर प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मिसिबोनी नाही मास मिसिबो किछि भी एमाननकर मिसिबो नाही सी ए सेकंड थ्योरी रे कहिथिले The properties of all the atoms of a given element are the same including mass. Jota ki mabe carbon element ro kahili carbon element bhitare jette bhi example douchi carbon element kichhi bhi element nei paribo gote element bhitare jette sabu atoms achhandi semananka properties kono mass bhi sabu properties au mass sabu same rahibo से लिखी छी एलिमेंट आर द सेम इंक्लूडिंग मास दिस कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास मास कौन रहिबो आइडेंटिकल रहिबो व्हाइल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस जोटा मु कहली धन्य कार्बन एटम और बोरोन एटम एमन दिन बिल्कुल अलग अलग रहिबे मास भी अलग रहिबो प्रॉपर्टीज भी अलग रहिबो एटा थिला हमर सेकंड पोस्टुलेट थर्ड पोस्टुलेट विषय रे जानिबा थर्ड पोस्टुलेट कोन कहू छी से कहूछी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स जेमिति कि H2O आमे देखिथिले प्रीवियस क्लास रे H2O केमिति फॉर्म करूछी दीटा हाइड्रोजन प्लस दीटा हाइड्रोजन प्लस प्लस Half O2 gives H2O. H2 plus half O2 gives H2O. माने ये different elements और atom माने combine करी गोटे compound बनो छंती. आउ आमे देखी थी लेके H2O जो form हो छी तार गोटे सिंपल रेशियो था 1:8 जोटा कि आम मास द्वारा तार कॉम्बिनेशन काढ़ी था एच टू रेते टू टू डिवाइडेड बाय के टू डिवाइडेड बाय 32 हाफ O2 कहीप 32 डिवाइडेड बाय 2 हाफ O2 कही O2 रही आम 32 आउ जेहेतु हाफ ओ टू कही 32 डिवाइडेड बाय 2 केते हे जीवो 16 हे जीवो तो 2 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 1:8 सीए 1:8 रेशियो रे सब बेले कंबाइन करिवो सब बेले हमकु 1:8 रेशियो देखिया को मिलिवो H2O रे चाहे आमे कोठो भी से पानी नउ ना खाएंगे सब बेले H2O फॉर्म रे कंबाइन करिवो सेटा थिला आमर थर्ड फोर्थ रे कौन आसिला फोर्थ रे आमे पढ़ी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रे आमे कौन पढ़ी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एथरे से कहूची एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ना एटम ना बनुची ना डिस्ट्रॉय होची गोटे केमिकल रिएक्शन रे फॉर एग्जांपल गोटे केमिकल रिएक्शन रे ना नुआ एटम बनिबो ना नुआ एटम डिस्ट्रॉय हबो जेतिके एटम्स थिबो जेतिके एटम्स रिएक्टेंट रे थिबो सेतिके एटम्स प्रोडक्ट रे भी देखा जीवो चेंज हबनी ना किछि तमको नुआ देखिया को मिलिबनी सेतिके ही थिबे सेतपे हम कहू ना कि इक्वेशन को बैलेंस करो एपर से पढावा दरकार नै अनबैलेंस्ड इक्वेशन केबे भी रहया दरकार नै कोन पई ना ए एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड सेइत पई बना हि छि त पई कि बैलेंस इक्वेशन सब बळे रहया दरकार त एटा थिला हमरो फोर्थ थिला एटा तापर फिफ्थ थला द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स जोटा कि कंपाउंड रिजल्ट फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग एटम्स फॉर एग्जांपल धर्ण्य आमे एनएसीएल धर्ण्य आमे
NaCl ले कुछ, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O कौन दूँ हमको, NaOH प्लस HCl दूँ, हाँ कि ना, NaOH प्लस HCl दूँ। ये जो क्लोरीन आटम NA सहित लगी सी क्या पाख जाए, हाइड्रोजन पाख जाऊँ, आउ OH कौन करे पाख आस माने ये आमको रीअरेंजमेंट ऑफ आटम्स देखा, ये किसी नुआ आटम देख, ये रिएक्टेंट जी आटम थी प्रोडक्ट रे भी आम से आटम अच्छी, किसी नुआ आटम आसुनि कि किसी आटम डिस्ट्रॉय हो जाऊनी, आमर खाली रीअरेंजमेंट हो CL टा H पाख पड़ू, आउ ये ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन कौन कर NA पाख पल आस, खाली रीअरेंजमेंट हो कि नुआ हो ना, यहाँ थी आमर फिफ्थ। अबे सिक्स देखिबा, सिक्स रे अच्छी कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन अदर वर्ड्स होल एटम टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, माने आमे जानी छे गोटे एटम हला सबुठ स्मॉलेस्ट पार्टिकल जोटा कि केमिकल रिएक्शन रे पार्ट नौछि, आउ से कहुछि सब बेले गोटे होल आटम पार्ट नौचे, एमती के फ्रैक्शन ऑफ आटम तुमको देखा मिलवनी जोड़ा कि पार्ट नौ रिएक्शन रे, सब बेले होल आटम पूरा गोटे आटम पार्ट नौ रिएक्शन रे, एमती हाफ एच देखा मिलवनी, हाफ ओ देखा मिलवनी, हाँ हाफ ओ टू देखा मिल, हाफ ओ टू कौन पाई, हाफ ओ टू, ओ टू है तुम ओ टू टा है मॉलिक्यूल, हाफ ओ टू माने कौन, इक्वल्स टू वन आटम ऑफ ऑक्सीजन, हाफ ओ टू है वन आटम ऑफ ऑक्सीजन, एबे हाफ ओ आ तुमको तो देखा मिलवनी, हाफ ऑक्सीजन आटम, हाफ ऑक्सीजन आटम केमती रिएक्ट कर, सेटा ही कहे कि होल आटम तुम सब रिएक्शन रे टेक पार्ट करे, केबे भी हाफ कि एमती डेसिमल रे तुमको आटम देखा मिलवनी जोटा कि रिएक्शन कर। एटा थिला आमर छटा पोस्टुलेट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रो। एबे हमें नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट नेक्स्ट से कहिल, नेक्स्ट हला आमर लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रे से कौन कहूची, लिमिटेशंस रे से कहूची इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, से सब माने या माने हला कि आमे आमे कहिथिलु कि एटम टाकु फर्दर डिवाइड करा जाई पारिबो नाही, सेटा आमे पढ़ी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रे, किंतु आगरे आगरे जतल डिस्कवर हला सब एटॉमिक पार्टिकल्स माने कौन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एटा हला आमर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो जतले एगुरा डिस्कवर हला सेतबले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जोटा कहूला कि एटम को आम फर्दर डिवाइड करना, फर्दर ताक भाग करना, भूल हो गला कौन ना, प्रो आम देखा मिलला कि एटम भितर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी थाए, तो ताद्वारा आम जाणिले कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रो जो पोस्टुलेट थिला कि एटम को आम फर्दर डिवाइड करना, सेटा आमर भूल हो गला, सेटा को रॉन्ग प्रूफ करा हला। सेकेंड नंबर अकाउंट हला, सेकेंड हला कि से आइसोटोप, आइसोटोप विषय बतेलानी, आमर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आइसोटोप विषय बतेला नहीं, कौन पई कौन पई आइसोटोप विषय बतेला नहीं, आइसोटोप माने कौन, आइसोटोप माने हला तमरो एटॉमिक नंबर सेम रहिबो किंतु एटॉमिक मास डिफरेंट हिजो, ठीक अच्छे एटॉमिक नंबर सेम रहिबो मास डिफरेंट हिजो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट रो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एलिमेंट रो धरने आमे गोटे हाइड्रोजन आटम देखुचे तार आमर, अच्छा आमे जानीछे हाइड्रोजन रो मास केते वन, एटॉमिक नंबर केते वन, किंतु ड्यूटोरियम जोटा कि हाइड्रोजन रो ही गोटे आइसोटोप तार एटॉमिक नंबर केते वन, तार एटॉमिक मास हला टू,
से हाइड्रोजन रो आइसोटोप माने सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक साइज तो एटा तो भूल है गला से कौन कही थिला हमरो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कही थिला तमरो गोटे एलिमेंट भितरे जितेटा भी एटम्स अच्छा धरने हाइड्रोजन एलिमेंट भितर जितेटा भी एटम्स अच्छा से मास साइज प्रॉपर्टी सब सेम हम किंतु एथिरे हाइड्रोजन एलिमेंट रो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम रो तो एटॉमिक मास अलग अलग हो जाऊँ तो एटा तो आमर प्रूफ रॉन्ग प्रूफ कर देला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को तो एटा भी गोटे लिमिटेशन थिला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रो। नेक्स्ट देखिबा आमे आइसोबार्स। आइसोबार माने कौन आइसोटोप आमे देखिला आइसोटोप माने आमर हला कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास किंतु एथिरे आइसोबार माने हला आइसोबार माने हला एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही जीबो मास जो थाए एटॉमिक मास सेटा सेम हबो। फॉर एग्जांपल आर्गन आर्गन रो एटॉमिक मास केते 40 कैल्शियम रो एटॉमिक मास भी 40 आइसोबार माने एमानको एटॉमिक मास मिसुची आउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रे कोन कहिथिला कि गोटे धर्ण्य आमर एथिरे जो कार्बन एलिमेंट रो गोटे एटम आउ एग्जांपल फॉर एग्जांपल बोरोन एलिमेंट रो गोटे एटम एमाने दी जणको प्रॉपर्टीज मास साइज सब अलग अलग हबो किंतु एठी आर्गन और कैल्शियम रो एटॉमिक मास तो मिसुची तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रो तो भूल हे गला से थ्योरीटा जो कही थिला से सेड भी भूल हे गला तो ये आइसोटोप को सी बुझे पाला ना आइसोबार्स को सेटा बुझे पाला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एबे हमें नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट से कहूँ एलिमेंट्स नीड नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। अच्छा या माने कौन या माने हला फॉर एग्जांपल सुक्रोज रो थाए C11H22O11 एथिरे जो कॉम्बिनेशन अछि एटा कोन अछि 11:22:11 एटा कोन सिंपल रेशियो की 11:22:11 एटा तो सिंपल रेशियो नुहे तो सेहित पई से कहिला कि एटा तो सुक्रोज जेमिति कॉम्बिनेशन करू जेमिति कंबाइन करू छी सेटा तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रो पोस्टुलेट को भूल कर दउ छी भूल से ताको प्रूफ कर दउ छी तो एथिरे सुक्रोज माने सुक्रोज भले भी अलग बहुत सारा एमती कंपाउंड अछंती जोडा कि एई थ्योरी को कि माने से सिंपल रेशियो रे कंपाउंड बनाए सेटा भूल प्रूफ करि देला। आउ गोटे जिंस कोन आउ गोटे जिंस हला द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रोप्स। अच्छा एलोट्रोप्स माने कोन एलोट्रोप्स धर्ण्य कार्बन रो दीटा एलोट्रोप्स डायमंड ग्राफाइट माने कार्बन दीटा फॉर्म रे एग्जिस्ट करी पारे डायमंड फॉर्म रे भी आउ ग्राफाइट फॉर्म रे भी दीटा फॉर्म रे एग्जिस्ट करी पारे तो सेटा को भी तो से भूल दर्शाई देला एलोट्रोप रो थ्योरी को भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बुझे पार्लानी हैला एटा थिला किछि लिमिटेशंस आमर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रो जो थिरे आमे देखिले कि किछि किछि एमिति भी अछि जोडा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बुझे पार्लानी। हाँ आमे एटम्स विषय रे मैटर विषय रे केमिति कॉम्बिनेशन करूछंती केमिति कंपाउंड फॉर्म करूछंती या विषय रे तो आमे बहुत किछि जानिले किंतु किछि लिमिटेशंस भी रहिला किछि किछि जिंस को आमर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बुझे पारिलानी आमन को एक्सप्लेन करि पारलानी तो ता पई किछि मॉडिफिकेशन हला ए लिमिटेशंस पई आमर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को टिके मॉडिफाई करा हला।
ताको जो मॉडिफाई करा हला से गोटे नुआ फॉर्म रे देखिया को मिलला डेल्टन एटॉमिक थ्योरी रा नुआ फॉर्म देखिबा कौन मॉडर्न फॉर्म रे से देखिया को मिलला एटा हला हमरो मॉडर्न डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटा हला हमरो मॉडर्न डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मॉडर्न डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रे कौन जाना पड़ला एई थिरु हमको जाना पड़ला कि एटम को आओ हमें कहि परिवानी कि सेटा डिवाइड हे परिवनी ताको आओ हमें इनडिविजिबल कहि परिवा नाही कौन पाई नाम को जाना पड़ला कि एटम भितरे प्रोटॉन भी थाए न्यूट्रॉन भी थाए इलेक्ट्रॉन भी थाए तो सही ताकु आमे कही परिवानी कि सेटा इनडिविजिबल एटम इज नो लंगर कंसीडर्ड टू बी इनडिविजिबल एटा आमर फर्स्ट सेकेंड कौन जाना पड़ला सेकेंड जाना पड़ला एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस जोटा कि आमे आमे देखी लिमिटेशंस रे तार प्रॉब्लम हेतला से कहिला कि गोटे एलिमेंट रो गोटे एलिमेंट माने जेमती के कार्बन एलिमेंट रो आमे हाइड्रोजन रे देखी ना हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन एलिमेंट रे एग्जांपल नबा जेमती के हाइड्रोजन एलिमेंट रो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तार सेम एटॉमिक नंबर किंतु डिफरेंट एटॉमिक मास तो से कौन कहिला से कहिला कि एटम गोटे एलिमेंट रो दीटा एटम किंबा ताठु अधिक एटम रो डिफरेंट एटॉमिक मास थाई पारे सीए सीए सेटा को जेंती आमे आइसोटोप्स रे पढ़ीतिले से आइसोटोप्स को बुझेला कि हाइड्रोजन एलिमेंट रो हाइड्रोजन आउ ड्यूटेरियम जेमिती समान जणकर अलगा अलगा एटॉमिक मास थाए से ताकु बुझेला कि थाई पारे गोटे एलिमेंट रे दीटा एटम्स की दीटा रो किंबा तीनटा एटम्स भितरे अलगा अलगा एटॉमिक मास थाई पारे किछ असुविधा नाही थर्ड रे से कौन बुझेला थर्ड रे से बुझेला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक मासेस जेमिति कि आइसोबार रे देखिले से सेटा को डिफाइन करला कि आइसोबार हमरो थाई पारे फोर्थ रे कौन बुझेला फोर्थ रे कहिला द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल से कहिला कि जो दीटा एटम धरने H2+ ½O2 कंबाइन करके H2O बनाऊंटी एमानकर कौन 1:8 कॉम्बिनेशन देखा मिलूँ 1:8 तो से कहिला कि दीटा डिफरेंट एटम जो से माने कंबाइन करूछंती सेटा से कॉम्बिनेशन टा फिक्स्ड रही पारे किंबा इंटीग्रल रही पारे माने होल नंबर रही पारे किंतु से माने सबुबेले सिंपल हेबे बोली माने नहीं कोटा कोटा कॉम्प्लेक्स भी थाई पारे जेमिति कि हमर सुक्रोज हे गला हम एग्जांपल नेथले सेटा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तक बुझे पार नथला बोली प्रॉब्लम हैला तो से कहला कि फिक्स्ड रहिबो इंटीग्रल भी रही पारे किंतु सबुबेले सिंपल रहिबो बोली कि सेटा गारंटी नहीं सेटा हमर फोर्थ पोस्टुलेट बुझेला जोडा कि मॉडर्न डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बुझेला फोर्थ पोस्टुलेट को फिफ्थ कौन थिला फिफ्थ थिला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एटम हैला सबुटो छोटो पार्टिकल जोडा कि केमिकल रिएक्शन रे भाग निए सेटा फिफ्थ पोस्टुलेट आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस कि एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल माने ताकु डिस्ट्रॉय करा जाय पारिबो आमे कहुतले ना कि एटम को डिस्ट्रॉय करा जाय पारिबो नहीं सिक्स्थ रे बुझेला कि एटम को डिस्ट्रॉय करा जाय पारिबो एटा थिला छटा पोस्टुलेट्स जोडा कि हमरो एटम्स डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रा मॉडर्न वर्जन को बुझेला नेक्स्ट हला हमरो एवोगाड्रोस लॉ एवोगाड्रोस लॉ रे कौन बुझा को मिलला एवोगाड्रोस लॉ रे हमरो
ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ କି ଯଦି ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ସେମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ପ୍ରେସର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ସେମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ପ୍ରେସର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ବି ସେମ୍ ରହିବ। ଆକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ବୁଝିବା କେମିତି ହୁଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗିଭ୍ସ ଅସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଆମକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମେ ୱାନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନେଲେ, କ୍ଲୋରିନ୍ ଆମେ ୱାନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନେଲେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଫର୍ମ ହେଲା, ଆମର ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ ଫର୍ମ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ସ ଟୁ ଟୁ, ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ମ ହେଲା। ଇନ୍ କେସ୍ ଧରିଦିଅ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭିତରେ ଏନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଲେ ଏନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି। କ୍ଲୋରିନ୍ ଭିତରେ ବି ଏନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି, ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ହେଲା ସେଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଟୁ ଏନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଟୁ ଏନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପୁରାଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଟୁ ଏନ୍, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟୁ ଏନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟୁ ଏନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏନ୍ କେତେ ଆସିଲା, ୱାନ୍ ଇଷ୍ଟୁ ଟୁ, ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍। ଏଇଟା ବି ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏନ୍ ଯଦି କରିବା, ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟୁ ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ତ କେତେ ଆସିବ ଆମର, ୱାନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଆସିଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍, କ୍ଲୋରିନ୍ର ଆସିଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଫର୍ମ କଲା, ୱାନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍। ତ ଏଇ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ଲରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ଲରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବନୁଛି, ୱାନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ବନୁଛି, ୱାନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବନୁଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରୁ ଆଉ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏମାନଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ନିଆହେଇଛି, ୱାନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନିଆହେଇଛି। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ବି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ର ବି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପ୍ରେସର୍ ବି ସେମ୍, ଏଇ ପୁରା ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପ୍ରେସର୍ ବି ସେମ୍, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ବି ସେମ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ହେଲା, ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ଲ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ଲରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ତ ସେ ଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା, ଇନ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟମିସିଟି ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରୀ ଗ୍ୟାସେସ୍। ଆଟମିସିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଆଟମିସିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଆଟମିସିଟି କ'ଣ କହିଥାଉ, ଆଟମିସିଟି ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଧର୍ନ୍ୟ ଓ ଟୁ, ଓ ଟୁ। ଏବେ ମୁଁ ପଚାରିବି କି ଓ ଟୁର ଆଟମିସିଟି କେତେ, ଓ ଟୁର ଆଟମିସିଟି କେତେ, ଓ ଟୁର ଆଟମିସିଟି ହେଲା ଟୁ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଦୁଇଟା ଆଟମ୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ, ଦୁଇଟା ଆଟମ୍ସ ମିଶିକି ଓ ଟୁ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଓ ଟୁର ଆଟମିସିଟି ହେଲା ଟୁ।
एटा को आउट के भल से जानिबा एग्जांपल थ्रू रो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर वेपर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो फॉर्म करुची से तो से वाटर वेपर फॉर्म करुची धन्य हमें हाइड्रोजन दीटा वॉल्यूम ने हाइड्रोजन हमें दीटा वॉल्यूम ने ले हाइड्रोजन दी वॉल्यूम नेले ऑक्सीजन वन वॉल्यूम नेले आउ वाटर वेपर टू वॉल्यूम्स नेले हाइड्रोजन टू वॉल्यूम्स नेले ऑक्सीजन वन वॉल्यूम नेले वाटर वेपर टू वॉल्यूम फॉर्म हेला धरनियो हाइड्रोजन रे 2n मॉलिक्यूल्स अछि 2 वॉल्यूम्स अछि सेट पे 2n मॉलिक्यूल्स अछि ऑक्सीजन रे n मॉलिक्यूल्स अछंती आउ वाटर वेपर जो फॉर्म करछंती सेथिरे 2n मॉलिक्यूल्स अछंती एटा हमें एवोगाड्रोस रो फार्मूला पकेले एवोगाड्रोस रो फार्मूला पकेकी इति करले के 2n मॉलिक्यूल्स सेथिरे अछि आउ एन मॉलिक्यूल्स अच्छे टू एन मॉलिक्यूल्स तो आउ जदि आम ए टू एन मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करिबा ए पूरा टाकु जदि आम टू एन रे डिवाइड कर दबा जदि पूरा टाकु टू एन रे डिवाइड करिबा तो कौन हबो एटा आसी जिवा हमरो एन बाय टू एन इक्वल्स टू 1:2 आउ ये जदि 2n बाय 2n इक्वल्स टू 1 आउ हाइड्रोजन रो भी 1 आसी जीवो कम माने 2n डिवाइडेड बाय 2n इक्वल्स टू 1 तो एठी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 1 बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गोटे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आमे देखिले 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर केते कंटेन करुची 1 बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करुची 1 बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करुची माने 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करुची 1 बाय 2 O2 O2 हला हमर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 बाय 2 O2 केते 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन सेथिपाई से कहूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एटे देखिले आमे 1 बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन अच्छा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन माने O2 हला 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 को आमे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कहि थाउ इक्वल्स टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन O2 केमिति बनिछि दीटा ओ ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O2 बनिछि सेइथि पई एटा O2 मॉलिक्यूल इक्वल्स 1 O2 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो एटमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन केते हे गला 2 एबे हमकु बुझा पडला एटमिसिटी माने कोन जोटा कि तार एप्लीकेशन एवोगाड्रोस लॉ गोटे एप्लीकेशन एबे हमको एटोमिसिटी रा मीनिंग बुझा पड़ी गला नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिबा नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गोटे एग्जांपल थ्रू रु बुझिबा कि नेक्स्ट एप्लीकेशन रा माने कोन ए फर्स्ट एप्लीकेशन रा हमको एटोमिसिटी आमे जानिले एमिति बहुत सारा एमिति एग्जाम रे आपन को कंपाउंड दे दबो कहबो कि यार एटोमिसिटी काढ़ तो बहुत इजी किछि ये नहीं केतेरा एटम्स कंबाइन करुछंती ता थ्रू हमको जाना को मिलिबो कि धन्य गोटे कंपाउंड अछि सेथिरे केते एटम्स कंबाइन करुछंती ता थ्रू आमे एटोमिसिटी काढ़ी पारिबा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकेंड एप्लीकेशन हला हमर टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूलर मास आउ वेपर डेंसिटी रे कौन इक्वेशन बनी पारिबो सेटा हमर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ बतेबो अच्छा
वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस रो कौन फॉर्मूला थाए, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस रो फॉर्मूला थाए डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा याकू आमे को फॉर्म रे आउ लिखि परबा, याकू आमे लिखि परबा डेंसिटी ऑफ द गैस माने को भी गैस किछि भी गैस दे पारे, तो आमे लिखि परबा मास ऑफ सर्टेन गैस, मास ऑफ सर्टेन गैस एट 1 लीटर। 1 लीटर कौन पाई आमको जाना अच्छे डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, माने एत्ती की मास धरने 1 लीटर रे केते मास हबो, तो सेथ पाई मुझे लिखिली मास ऑफ सर्टेन गैस एट 1 लीटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 हाइड्रोजन देची, मास ऑफ H2 मास ऑफ H2 देची, सेथ पाई मास ऑफ 1 लीटर एट STP माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, आउ मास ऑफ H2 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एटा भी आम एमिति लिखि परबा। अच्छा आकु भी सिंप्लीफाई करी के एमिति लिखिबा, आकु भी सिंप्लीफाई करी के आम लिखिबा इक्वल्स टू मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो गैस टा दिया है सेटा, तापर तले मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एमिति भी लिखि परबा आमे, काई ना आमे देखिथिले मा 1 लीटर रे n मॉलिक्यूल्स थांती, सेत पय आमे एटी कोन लिखिले गोटे लीटर भितरे धर्ण्य n मॉलिक्यूल्स अछंती, तो सेत आमे मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स लिखिले, आउ H2 मॉलिक्यूल भितरे भी केते मॉलिक्यूल्स अछंती हमकू जाना नै, सेत पय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। आकू फर्दर केमती सिंप्लीफाई करबा, आकू फर्दर सिंप्लीफाई करबा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एटी कौन लिखले मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। 1 मॉलिक्यूल केमती आमे n डिवाइडेड बाय n करिबा, जमीती कि आम प्रीवियस रे करथिले डिवाइड करथिले, तो n डिवाइडेड बाय n करिबा तो कौन हि जो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, को गैस हमको जाना नहीं, मास ऑफ तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अच्छा गोटे मॉलिक्यूल ऑफ H2 रे केतरा एटम्स थांती आमे जानिछु, गोटे मॉलिक्यूल ऑफ H2 माने कौन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 केमती बनथे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बनी थाए दीटा एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रू, तो सेथ पई एठी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखिबा, ठीक अछि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखिबा। आकु फर्दर सिंप्लीफाई जदि करिबा तो हमर आसीबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक अछि आकु फर्दर सिंप्लीफाई कला पर कोन आसीबो हमर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, त हमें कहि परिबा कि वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस को फर्दर केमती कहि परिबा, हमें वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस तो याकु कहि परिबा हमें वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2, डायरेक्ट लिखि परिबा हमें वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2, एटी देखिले तो कौन करिबा मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को आमे रिलेटिव डेंसिटी भी कहि परिबा, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी,
एटा हमर हेई गला फर्स्ट हमर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ जोटा कि मॉलिक्युलर मास और वेपर डेंसिटी उपरे हमको कहिला। थर्ड देखिबा, थर्ड रिलेशनशिप हैला बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, मास और गैस रो वॉल्यूम बिसेर रिलेशनशिप। अच्छा, आमे सेकंड एप्लीकेशन रे कौन देखिले, मॉलिक्युलर मास इक्वल्स टू 2 × वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को आमे रिलेटिव डेंसिटी भी कह परबा। अच्छा, तो मॉलिक्युलर मास इक्वल्स टू 2 × मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 एट एसटीपी माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। ए फॉर्मूलाटा मु आपनकु ए सेकंड एप्लीकेशन रे भी कहली, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 एट एसटीपी। ए फॉर्मूलाटा मु बतेली इक्वल्स टू 2 / 0.089 ग्राम। ए 0.089 ग्राम कोठु आसिला, एटा आसिला आमर एठू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 एट एसटीपी रु सेटा आसिला। एटा डायरेक्ट पकेबा, एटा 2 / 0.089 ग्राम इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी, जोटा कि आमर एटा मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी। एटा आमर 2 / मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 एट एसटीपी हो गला, एटा आमर 2 / 0.089 ग्राम एमती हो गला इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी इक्वल्स टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी। 22.4 लीटर कोठु आसिला, एटा 2 / 0.089 ग्राम को जितेबले आम कैलकुलेट करले तो आमर आसिला 22.4 लीटर। तो कौन ही गला, मॉलिक्युलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी। लिखी दूचे आउथरे मु, मॉलिक्युलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी। एटा डायरेक्ट आम मन रखी परबा, ताकि आमको न्यूमेरिकल्स कला बेलू डायरेक्ट फॉर्मूला पकेबा आउ आमर आंसर आसीजिबो। ई सबू तीनटा जाक एप्लीकेशन्स रे जो फॉर्मूला गुडाक अच्छी सेटा बहुत इम्पोर्टेंट, सेटा न्यूमेरिकल्स रे नॉर्मली आमको पचारे। आउ वेपर जेमती वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्युलर मास डिवाइडेड बाय 2, सेमिति थर्ड एप्लीकेशन रे मॉलिक्युलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एटा बहुत भलसे मन रख एट एसटीपी, ठीक अच्छे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रे कौन हम, ठीक अच्छे। एटा आमर तीनटा एप्लीकेशन्स आसीगला एवोगाड्रोस लॉर। नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छी, नेक्स्ट किछि क्वेश्चन्स अच्छी। फर्स्ट क्वेश्चन हला, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन रो एटोमिसिटी केते कार्बन डाइऑक्साइड रे, फर्स्ट आमे लिखि दबा तार फॉर्मूला कोन था, C plus O2 gives us CO2। माने एठी 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2 atoms ऑफ ऑक्सीजन। 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन माने कोन, O2। O2 केमती बनची, दीटा ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करचंती तापर बनिचंती आमर O2 मॉलिक्यूल बनिची, आमर दीटा एटम्स ऑक्सीजन रिएक्ट करला परे आमर एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन जाना पड़ी गला 2 अछि। अच्छा, नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन हला आमर, व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ N2। N2 रो वेपर डेंसिटी केते, अच्छा N2 माने हला दीटा नाइट्रोजन एटम रिएक्ट करिसेंती, ठीक अछि। गोटे नाइट्रोजन एटम रो एटॉमिक मास केते, 14। तो दीटा नाइट्रोजन रो एटॉमिक मॉलिक्युलर मास केते हला, 28 ग्राम, ठीक अछि 28 ग्राम। तो से कहिछि वेपर डेंसिटी ऑफ N2 केते,
वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू आमको जाना अच्छी वेपर डेंसिटी रा फॉर्मूला आमको जाना अच्छी इक्वल्स टू मॉलिक्युलर मास डिवाइडेड बाय टू तो ये ठीक हमारे है जी बकेते 28 डिवाइडेड बाय टू हमारे कौन है जी बो इक्वल्स टू 14 वेपर डेंसिटी हमारे है जी बो 14 28 डिवाइडेड बाय टू वेपर डेंसिटी हमारे है गला 14 इमिति टाइप रो बहुत सारा एमती न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसीबो जोटा कि हमको वेपर डेंसिटी पचारिबो केते बळ एटोमिसिटी पचारिबो एई जिंस एई फार्मूला गडा क सेत पे मन रखिया बहुत इंपोर्टेंट एमिति किछि एग्जांपल देली केमिति टाइप रो क्वेश्चंस आमे जो आज टॉपिक पढ़िले से केमिति प्रकार क्वेश्चंस आसी पारे एटा बस किछि एग्जांपल्स थिला नेक्स्ट आमे आउ गोटे क्वेश्चंस देखिबा जोथिरे कि केमिति प्रकार क्वेश्चंस आसे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस से पचार छी वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस केते हबो इफ इट्स डेंसिटी इज 0.178 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी एनटीपी माने कौन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ठीक अच्छी से ऑलरेडी डेंसिटी दे छि आ हमको वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस पचाइ छि डेंसिटी रे हमें जानि छु मास पर वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल्स टू केते मास बाय वॉल्यूम माने 1 लीटर रे केते मास हबो 0.178 ग्राम एटा ही आको बुझौ छि डेंसिटी माने कोन गोटे लीटर रे तारा मास केते गोटे लीटर रे तारा मास हला 0.178 ग्राम तो 22.4 लीटर रे केते हबो 22.4 लीटर रे हमर 0.178 × 22.4 जोटा कि हमर 3.9872 जोटा कि हमर मॉलिक्युलर मास हमें पढ़ी थिले कि 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी गिव्स यू मॉलिक्युलर मास पढ़ी थे कि नहीं इटा हमें पढ़ी चे तो ए थी 22.4 लीटर जितना हमें करी ले तो हमारा असली 3.9872 माने ए टा दर मॉलिक्युलर मास ओके तो वेपर डेंसिटी के तो है गला वेपर डेंसिटी हमारे है गला वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्युलर मास डिवाइडेड बाय टू एटा भी आमे जानी छे वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्युलर मास डिवाइडेड बाय टू मॉलिक्युलर मास केते 3.9872 मॉलिक्युलर मास हला 3.9872 डिवाइडेड बाय टू कैलकुलेट कर सला परे आमर आसीबो 1.9936 कैलकुलेट करिबो जति के आंसर आसीबो निजे कैलकुलेट करिबो हला कैलकुलेट कर सला परे आंसर टा मिसेइबो आसु छि कि नाही तो एमिति प्रकार क्वेश्चंस हमरा आसे न्यूमेरिकल्स रे नॉर्मली ए चैप्टर रु ए चैप्टर रे बेसी न्यूमेरिकल्स आसे नी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पचारी जेमति कि पोस्टुलेट्स पचारी दबो आ केमिति प्रकार कोन पोस्टुलेट्स थाए लिमिटेशंस कोन कोन थाए एवोगाड्रोस लॉ रो ए वेपर डेंसिटी पचारी पारे मॉलिक्युलर मास एटोमिसिटी एमिति प्रकार क्वेश्चंस आसीबार बहुत चांसेस अछि ए प्रकार क्वेश्चंस आसे आमर ए चैप्टर रु आमे आज पढ़िले गेलुसैक्स लॉ जोटा कि आमर वॉल्यूम रे केमिति गैसेस माने रिएक्ट करंती तापर आमे कौन पढ़िले तापर आमे पढ़िले कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से आमको एटम्स विषय रे केते जिंस बतेले तापर से एटॉमिक थ्योरी रो किछि लिमिटेशंस भी रहिला किछि गोटे थ्योरी जदि आसुची तो तार किछि गोटे लिमिटेशंस भी रहुतबो तार लिमिटेशंस भी आसिला से लिमिटेशंस को पुणी इम्प्रूव कराए कि मोडिफाई कराए कि आ गोटे मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़िले सेटा भी जानिले तापर आम जानिले एवोगाड्रोस लॉ ठीक अच्छे एवोगाड्रोस लॉ आम पढ़िले
ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ଲରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ଲରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବି ପଢ଼ିଲେ, ତା ଉପରେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ ବି ଦେଖିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି କଭର୍ କରିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ମୋଲ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଜିର ଏତିକି ୱେପର୍ ଡେନ୍ସିଟି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ୱେପର୍ ଡେନ୍ସିଟି ବିଷୟରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ, ତାକି ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ବଗେରା। କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଲାଗୁଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଜଣେଇବେ, କ'ଣ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ବି ଜରୁର ବତେଇବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର କ୍ଲାଭିମେଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ଲାଇକ୍ ଆଉ ଶେୟାର ଜରୁର କରିବେ, ଶେୟାର କଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଛୁଆମାନେ ୟାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆମର କ୍ଲାଭିମେଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେରେ ବି ଆଭେଲେବଲ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବି ମିଳିଯିବ। ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେରି ରହୁଛି କ୍ଲାଭିମେଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର, ୟା ଫିର୍ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି ଆହୁରି ଜାଣିବାର ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନମ୍ବର୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ନମ୍ବର୍ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଆମର ରହୁଛି କ୍ଲାଭିମେଟ୍ର, www.clavimate.com, ଏଇ ଥ୍ରୁରୁ ବି ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଟ୍ୱିଟର୍ ବି ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କ୍ଲାଭିମେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରୁ। ଏଇଟା ବସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ୟାର ହାୟର ଭର୍ଜନ୍ ୟା ଫିର୍ ୟାର ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାଭିମେଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ଆଉ ଶେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ତାକି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।